For you, Ms. Bahul Haq, the captain of Pakistan cricket team, is speaking before media here in Lahore. Let's take a listen to him. This is live. मेरे ख्याल में ये बोर्ड का काम है, वो डिसाइड करेंगे. इट्स टोटली अप टू द क्रिकेट बोर्ड कि वो क्या सोचते हैं, क्या टीम के लिए बेहतर है. एट टाइम एज अ कैप्टन मेरा जो काम है वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करना है और ऑन द ग्राउंड फोकस करना है. एक तो ये बताइए कि आपको चॉइस करने में, 11 चॉइस करने में मुश्किल नहीं आएगी, अगर दूसरा ये कि शुएब मलिक 11 साइड में होंगे. मेरे ख्याल में ये चीज तो वहां पर जाकर डिसाइड करेंगे. ऑफकोर्स जिस तरह वो परफॉर्म करके आया और जिस तरह वो प्लेयर है, कोशिश हमारी यही होगी कि नेक्स्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए अगर वो आया तो उसको जरूर चांस दें. बल्कि सिर्फ उसको नहीं, कोशिश यही होगी कि एक बैलेंस टीम खिलाई जाए जो भी फॉर्मेट हो उसके मुताबिक. और जितने प्लेयर जा रहे हैं कोशिश यही होगी कि सबको यूटिलाइज करें और फर्दर जो फ्यूचर में सीरीज आ रही है उसके लिए जो भी प्लेयर जा रहा है उसको तैयार करें. लेकिन ये अगर रिसेंटली देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पिछले कुछ एक साल में, तो फील्डिंग स्टैंडर्ड काफी इम्प्रूव हुआ. उसकी वजह डिफरेंट वजूहत है. उसकी ये वजह कि कोचेस ने काफी जो फिटनेस में बहुत ज्यादा काम किया है, ट्रेनर ने बहुत ज्यादा काम किया है और स्पेशली इसको एम्फसाइज किया गया फील्डिंग को. और स्पेशली नए लड़के और यंग लड़के आने की वजह से फील्डिंग ऑलरेडी काफी इम्प्रूव्ड है. मैं कहूँगा उसी स्टैंडर्ड को कोशिश करेंगे, उसको और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की है. इस कैम्प में भी देखा जाए टेस्ट मैचेस के हवाले से जो शॉर्ट कैचिंग है या जो स्पेसिफिक आप स्पेशलाइज फील्डिंग है उस पर वर्क किया हमने, स्लिप कैचेस है या क्लोज कैचिंग है जो थोड़ी बहुत हमारी वेस्ट इंडीज में बिलो पार थी. कोशिश की गई है कि उस चीज को हम लोग कवर करें और साथ ही साथ जो लॉन्ग फील्डिंग है वन डे के हवाले से या उस पर भी मेरे ख्याल में उसी तरह काम हो रहा है. आप लोगों ने भी देखा होगा जिस तरह कोचेस काम कर रहे हैं. तो कोशिश यही है कि फील्डिंग को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएं. और मेरे ख्याल में जिस तरह लड़के भी और सारे प्लेयर्स इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं और खुद काम कर रहे हैं, आई होप सो कि वक्त के गुजरने के साथ साथ ये बेहतर ही हो रही है. लेकिन वही चीज कहूंगा कि ये टोटली अप टू द क्रिकेट बोर्ड है कि वो क्या डिसीजन करते हैं. मेरे ख्याल में किसी भी कप्तान को ये सोचना चाहिए कि जॉब इन हैंड, अभी जो मुझे कप्तानी दी गई उसको मैंने किस तरह हैंडल करना है. फ्यूचर में मेरा तो बोर्ड जो भी डिसीजन करेगा, अगर मुझे कप्तानी देंगे तो मैं उसको उस अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूंगा. अगर कोई और कप्तान बनता है या फिर मैं टेस्ट मैचेस की कप्तानी करता हूँ तो मैं अपना फोकस उस पर ही करूँगा. लेकिन ये नो डाउट इस चीज का मैंने भी यही कहा कि विकी भाई की मेन कंट्रीब्यूशन है कि जिस तरह टीम आप देखें तो नए प्लेयर आए और ऑलमोस्ट सेट हो गया टीम और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. उस चीज पे एक असर पड़ेगा कि कोशिश होगी तो जो चीज उस पर सारी टीम को ही आप कहेंगे जिसमें सिलेक्शन कमेटी आपका क्रिकेट बोर्ड है सारी टीम है जो इस चीज को लेके चल रही है. कोशिश करेंगे कि इस चीज को इस तरह लेके जाए. नो डाउट एक वकार भाई के जाने से एक उसमें से जो मिलकर बाकी लोगों को इस चीज को इसी तरह आगे चलाना पड़ेगा. थैंक यू.